हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुंगा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम साइंस पर की नेक्स्ट सीरीज में लगभग 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए इनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियस वुड आल्सो लैक इन क्रोमोजोम्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जल्दी से इसका आंसर करिए। एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियाई वुड आल्सो लैक इन क्या? इसमें अब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियाई। हाँ, सी नहीं, आंसर आएगा राइबोसोम्स। अच्छा, इसका इसका हाँ क्या बोलते हैं ये? अच्छा, अगर वो इसमें अब्सेंट होगा तो क्रोमोसोम्स। क्या आते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स इज द राइट आंसर। जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर देखो देखो ये न्यूक्लियस है ना, ये सॉरी ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियाई होती है। इसके अंदर अगर नहीं तो क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाएंगे। क्या नहीं पाए जाएंगे? क्रोमोसोम्स अब्सेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर पहला सही होगा। क्या होगा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोलिसिस अकर्स ड्यू टू। क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपको, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो इस क्वेश्चन को करा रखा है। प्लाज्मोलिसिस अकर्स ड्यू टू अब्जॉर्प्शन, एंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस, एक्जोस्मोसिस। तो प्लाज्मोलिसिस ये होता है एक्जोमोसिस होता है। इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेलुलर कंसंट्रेशन इज हायर इन एक्सटर्नल सॉल्यूशन, हाइड्रोपोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, नन ऑफ द अबव। सेलुलर कंसंट्रेशन इज हायर द एक्सटर्नल सॉल्यूशन। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। क्या है आंसर? हाइपरटोनिक। भाई सेल्यूलर की बात कर रहा, हाइपरटोनिक। आंसर क्या आएगा? हाइपरटोनिक। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, ए सेल प्लेस्ड इन हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन विल बी, क्या होगा? श्रिंक हो जाएगी, सो प्लाज्मोलिसिस, स्वेल अप या फूल जाएगी, नो चेंज इन शेप और साइज, या इनके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको हाइपोटेनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी बेटा? फूल जाएगी, यानी स्वेल अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वेल अप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? ये कहते हैं प्रोटोप्लाज्म को, और इसकी खोज पुर्किंजे ने की थी। तो प्रोटोप्लाज्म इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने बता रखा पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, और जीन्स हमारी हेरिडिटी मटेरियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज चीफली कंपोज ऑफ हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, फॉस्फोलिपिड्स या प्रोटीन। राइट आंसर, सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। तो आंसर इसका होगा बेटा बी, बी फॉर ब्रावो, वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, इंटरसेलुलर, पढ़ो जल्दी से इसको, इंटरसेलुलर कनेक्शंस इन प्लांट सेल्स आर कॉल्ड मिडिल लेमा, माइक्रोफाइब्रिल्स, मैट्रिक्स, प्लाज्मोडेस्मेटा। इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। जो इंटरसेलुलर इस कनेक्शंस होते हैं प्लांट्स सेल के अंदर, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, द इनर फोल्डिंग, द इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है,
ठीक है, इसके अंदर जो इनर फोल्डिंग, ऐसे फोल्डिंग्स होती है इस तरीके की, इनर फोल्डिंग्स होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो आंसर क्या होगा? अल्फा राइट आंसर होगा इसका, इसे क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एरोप्लास्ट इन अ सेल स्टोर, एरोप्लास्ट जो सेल में एरोप्लास्ट होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं? बेटा वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? प्रोटीन को स्टोर करते हैं। इसका आंसर आएगा सी। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन, किसमें अब्सेंट होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन, तो जितनी सारी प्रोक्रियोटिक सेल्स होती हैं उनमें अब्सेंट होता है, क्योंकि ये लोअर सेल्स होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर आएगा डी, प्रोक्रियोटिक सेल्स, प्रोक्रियोटिक सेल्स के अंदर ये अब्सेंट होती है न्यूक्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोक्रियोट्स इज ऑल्सो नोन एज, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। अनडिफाइंड न्यूक्लियस रीजन ऑफ प्रोक्रियोट्स इज ऑल्सो नोन एज, न्यूक्लियस, न्यूक्लोलस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं? मतलब अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोक्रियोट्स, प्रोक्रियोट्स के अंदर, अच्छा ये बताओ, जब प्रोक्रियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है तो ये जो न्यूक्लियोइड होगा ये भी अब्सेंट ही होगा, नहीं पाया जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? न्यूक्लियोइड। ठीक है, आंसर आएगा डी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को किचन, इनकरेक्ट बताना है आपको, गलत बताना है, क्लोरोप्लास्ट को किचन, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये भी बात सही है, लाइसोसोम को सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कहते हैं, नहीं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर लोकेटेड इन, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं वो पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रोमा में, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये बेटा ग्रेना में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ग्रेना, क्योंकि ग्रेना, ग्रेना क्या होता है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पिगमेंट। और जो ये सिक्के की देखिए ऐसे, ठीक है, और ये मिला, ये एक को, एक सिंगल को बोलते हैं थैलाकॉइड, सिंगल को क्या बोलते हैं बेटा? थैलाकॉइड बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा ग्रेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम किसको कहते हैं बताइए? गार्बेज मतलब गार्बेज, जो जैसे कूड़ा नहीं होता तो उसको हम डिस्पोज कर देते हैं, तो इस सेल्स के अंदर क्या होता है? गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, प्रोक्सीसोम, लाइसोसोम कहलाता है, क्योंकि यही हमारी सोसाइटल बैग कराता है, क्योंकि ये गार्बेज को मतलब जैसे जो सेल्स, सुनो, जो सेल्स हमारी डेड हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो उनको ये लाइसोसोम डाइजेस्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये सेल्स को डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राइबोसोम आर मेडअप ऑफ, किसके बने होते हैं? लाइपोप्रोटीन, आरएनए, प्रोटीन, बोथ ए एंड सी, क्या? तो भाई देखो, ये प्रोटीन के तो बने होते हैं, लेकिन उसमें राइबोसोम में आरएनए भी होता है, राइबोसोमल आरएनए, तो इसका आंसर है, एक मिनट, प्रोटीन तो लाइपोप्रोटीन, इसका आंसर ये होना चाहिए डी, ए एन सी, ए एन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि लाइपोप्रोटीन और प्रोटीन ये सारे मिलकर के जिसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलरलेस प्लास्टिड आर नोन एज, मैंने बताया था प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये कैसा होता है? कलरलेस होता है, कैसा होता है?
कलरलेस होता है, और ये कैसा होता है, ये कलरफुल होता है, कलरफुल होता है, और ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन इन कलर का होता है। तो ये जो लीव्स को या जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोप्लास्ट, है ना, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। तो इसने कलर कलरलेस पूछा है, तो ये होगा ल्यूकोप्लास्ट। ये रूट्स में पाया जाता है ज़्यादातर, रूट्स में या कलरलेस जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। जैसे कि आपके पोटैटो हो गई, पोटैटो में कैसा होता है, यही ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। लाइकोपीन के कारण जो हमारा टोमेटो होता है वो रेड कलर का होता है, किसके कारण, लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरोफाइसी इज प्रेजेंट इन मैट्रिक्स स्ट्रोमा क्रिस्टी थैलाकॉइड। क्लोरोफिल लिखा है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, इसको सही कर लीजिए कि क्लोरोफिल लिखा हुआ है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन मैट्रिक्स स्ट्रोमा क्रिस्टी या थैलाकॉइड। अभी हमने बताया था सिंगल ये थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये क्वाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये क्वाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी के अंदर क्या पाया जाता है, इसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। और ग्रीन पिगमेंट क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, लाइट एनर्जी को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में, किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आंसर इज थैलाकॉइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेम्ब्रेन विच अलाउ पासेस ऑफ ओनली सॉल्वेंट थ्रू आउट इट इज, जो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है जाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, डिफरेंटली परमेबल, सेमी परमेबल, इम्परमेबल, बोथ ए एंड बी, उसे हम सेमी परमेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी परमेबल, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसको, सॉल्वेंट को जाने देती है, सॉल्वेंट को, तो उसे हम कहते हैं सेमी परमेबल। क्या बोलते बेटा, सेमी परमेबल इज द राइट आंसर। तो बी इज द, बी इसका सही आंसर है, क्या इसका बेटा, बी सही आंसर इसका, तो बी फॉर ब्रावो इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसका आंसर करो जल्दी से, द ओनली सेल ऑर्गेनल्स सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऐसा सेल ऑर्गेनल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, लाइसोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल्स, इमैच्योर सेल्स होती हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं। तो ये किसमें देखी जाती हैं, ये देखी जाती है बेटा राइबोसोम के अंदर, किसके अंदर, राइबोसोम। तो आंसर इसका आएगा राइबोसोम, क्या आंसर आएगा इसका, राइबोसोम इज द राइट आंसर, इसका आंसर होगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, माइटोकॉन्ड्रिया एज द साइट ऑफ एनरोबिक रिस्पिरेशन, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, क्रेव साइकिल, नन ऑफ दीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेव साइकिल चलती है, क्या चलती है, क्रेव साइकिल, इसका सी आंसर सही होगा, क्या होगा, सी आंसर इसका सही है, क्रेव साइकिल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बेटा आज के ये हमारे थे 20 क्वेश्चंस, 20 आउट ऑफ 20 आप में के कितने सही हुए हैं आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इनको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए जिसमें आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।